नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मस्ताने मूवी की। मस्ताने मूवी, जबकि दौर आजकल बड़ा नफ़रतों वाला चल रहा है, पर सच बताएं तो इसमें हर धर्म है, हर धर्म की बात है। ऐसा नहीं कि एक धर्म है, इसको देखना चाहिए आपको। कई चीज़ें पुराने टाइम की समझ आएंगी, मोहब्बत, लोगों की दोस्ती, मतलब दोस्ती के लिए कैसे लोग थे। आज तो वैसे नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। आज कोई लास्ट में जो उसमें सीन आता है तो लड़की की तरफ चला जाएगा, दोस्त के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ें तो और भी, और इसमें ईश्वर की जो अरदास है, उसकी पावर, वो किसी भी धर्म की हो, लेकिन इस फिल्म में प्रॉपर सिख धर्म की दिखाई गई है। हर धर्म की अरदास की पावर क्या होती है वो दिखाना होता है। अब पंजाब में कुछ लोग सिख होने के बावजूद इसका विरोध कर रहे हैं, वो ही हैं जिनका खुद का दिमाग नहीं है शायद। उनको ये समझना चाहिए, उन्होंने बोला इसमें ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं। तो उसमें आप लोग भी, तो थोड़े दिन पहले आपका मसला चल रहा था ना एक, तो उसमें आप इसी की बात कर रहे थे, इसमें बहुत लोग खाते हैं, है ना। तो वो मसला नहीं रह जाता, यहाँ मसला रह जाता कि एक अच्छाई, एक अच्छी चीज़ जो दिखा रहे हैं। कोई उनको बोल रहा है कि इनको ये सब पैसे कमाने का ढोंग है, पैसे कमाने की बात है। पहले उन्होंने अपने पास से पैसा लगाया है उन सरदार जी को, मैं बता दूं, इसमें वीडियो थी उनकी, तो वो पैसा पहले लगा चुके हैं, उनको पता नहीं था कमाई आएगी। अब तकलीफ ये हो रही कि वो कमाई हो रही है, वो किसी के खड़े किए हुए बंदे हैं। मैं बता चुका हूँ कि पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत ये चीज़ें चलती हैं, और वहाँ खुद बंदा सीधा बाहर नहीं करता, किसी को आगे करता है बाहर करने के लिए। जैसे सिद्धू मूसेवाला, है ना, सिस्टम हुआ, वो ऐसे ही चलता है वहाँ। खुद खुद इतना दम नहीं रखते, वो किसी और को आगे कर देंगे, बंदे चमचे रख लेंगे, या पैसों पे रख लो, या किसी चीज़ की तरह, ना वो चीज़ें करते हैं। इसलिए उन अफवाहों पे मत जाएं, जो अच्छी चीज़ है उसको देखें। हो सकता है मेरा भी मन मटाव हो उनके साथ, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री से मेरी बनती नहीं है, कुछ कुछ बातों को लेकर यहाँ कुछ मसले हैं, है ना। तो पर लेकिन जो अच्छी चीज़ है, भले दुश्मन की हो, मेरे दुश्मन ने अच्छी चीज़ बनाई हो, मैं देखने जाऊंगा हमेशा। हाँ, जो दुश्मन सही बात कर रहा है उसकी सही बात करेंगे, है ना। वो चीज़ जरूरी है, वो करता नहीं आजकल कोई। अपना कोई बंदा कोई गलत काम करके बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, तो ये लोग उसको अपनी उस कैटेगरी में ले लेते हैं, तो किसी के साथ दगा करके आए या कुछ, वो नहीं देखते। उसी की कहानी जो पहले एपिसोड में बोल रहा था, उसमें उसी की कहानी चल रही है। सन 2000 की, सन 2000 से 2023 तक क्या होगा, कौन कौन सी बातें आएंगी, वो आप देख लेंगे, और सबूत हैं सबके। ऐसे ही हम हवा में नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं फेम लेने के लिए जा अपना चैनल, नहीं, चाहिए ही नहीं वो, उसी के तो मसले हैं। जब पैसा कमा लो, उसी की लड़ाई है, उसी में आपके लोग दुश्मन बनते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। जो मेरे बारे में जानता है, मैंने जो काम किए हैं वो जानता है, तो वो ये चीज़ें नहीं बोलेगा। हम तभी चैनल बनाते चल सकता था। सोशल मीडिया के बारे में कुछ हम जो सोचते हैं वही सोचते हैं। सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है आप देखिए ना, सारा ज़्यादातर झूठ ही चल रहा है। लेकिन हमारा, और पगड़ी जिस मेले में खोई हो उसी मेले से मिलती है। अपना सच रखने के लिए पब्लिक से ज़्यादा स्पोर्ट में हमारा कोई नहीं है, कोई चैनल या कुछ, है ना। वो हमें ऐसे ही रखना पड़ता। हमने कोशिश की, सब चैनलों से बात की, लेकिन जब ऑपोजिट वो हमारे किसी बड़े स्टार को देखते हैं, वो डर जाते हैं, उनको अपने चैनल चलाने हैं। उनकी भी गलती नहीं है। मैंने कई ब्लॉगर्स हैं जहाँ जिनके सब्सक्राइबर बहुत थे, और एक आध टोकरा टीवी वाले भी हैं, उनसे काफ़ी दिन मैंने रब्ता रखा, और भी बहुत है तो जिनसे मैं बात करता रहा, लेकिन साथ देने के लिए कोई रेडी नहीं है। वो कहते हैं कि अपना काम चल पड़ा है, ठीक है, बस सच क्यों बोलेंगे, सच बोलकर उनका काम खराब होगा तो। और सबसे बड़ी बात ये कि इस टीम को, मस्ताने की टीम को, किसी ने फोन किया था हमारी टीम से, उनका जो बंदा था उसने रिटर्न, उस टाइम कॉल नहीं उठाई, मिस कॉल का रिटर्न कॉल उसने किया। तो इससे पता चलता है कि वो कितने सेंसेबल हैं और समझदार हैं। नहीं तो आजकल के ज़माने में लोगों को ये पता ही नहीं मोबाइल क्यों बना, है ना, तो वो जवाब देते ही नहीं अननोन नंबर को।
ये बहुत बड़ी बात है ऐसे लोगों की सपोर्ट करें। ऐसा ही सिद्धू था, ऐसा ही था सिद्धू, और ऐसे ही लोग हो सकते हैं ये, मतलब हो सकते हैं मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने रिटर्न इतने रुझेवे हैं, उनके इतने बिजी हैं, फिर भी रिटर्न कॉल की, इट मीन्स अच्छे ही होंगे, सेंसेबल होंगे, उन्हें पता है कुछ चीज़ों का। नहीं तो हमारे यहाँ पंजाब में क्या रहता है कि ये एक गाना चल जाए तो सिंगर नंबर बदल लेता है, बहुत लोग हैं जिनकी आगे चल के बात करेंगे, तो ये समझना होगा। बस सच्चाई को, अच्छी चीज़ों को फैलाएं ब्रदर, ऐसा ना सोचे, हर बंदा सेम नहीं होता, सारे लोग सेम नहीं है, कोई ना कोई चेंज होकर आएगा ऐसे, तो ये चीज़ समझिए प्लीज़, इसको फैलाइए। और 10 तारीख को उस सिंगर का जिसका हम पिछली स्टोरी में बोल चुके हैं, 10 तारीख को उसका नाम बताएंगे और खुलासा करेंगे। उसके बाद उस एक्टर का, एक दो एक्टरों की फिल्में आ रही हैं, उनकी बात भी शेयर करेंगे, वो कैसे हैं। आजकल तो एक्टरों को कहानी सुनाने से डर लगता है, पंजाब के एक्टरों को, कहानी सुनकर क्या करते हैं वो आगे आगे हम बता देंगे, है ना। ये ऐसे ही है, मतलब हम मुंबई इंडस्ट्री को बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है। पंजाब में जब मुंबई से एसोसिएशन बनानी चाहिए थी तब बहुत लोग राजी नहीं हुए थे, आज क्या चल रहा है, कोई किसी के साथ कहानी सुन के हेरा फेरी, चीटिंग फुल चल रही है, कौन कुछ कर रहा है, कोई नहीं, जो बड़े हैं उनके हैं सब, जिस बेचारे गरीब के साथ या आम बंदे के साथ उसका क्रेडिट उसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा, लेकिन वो बेचारा बैठा है चुप करके, किसी को तो बोलना होगा, इसलिए बोले हैं। इसके लिए हमें मरना पड़ा, मुझे मरना पड़ा, सुसाइड भी करनी पड़ी इंसाफ के लिए, अपना हक लेने के लिए कि लोगों तक सच पहुंचे, वो मैं करूंगा। मुझे कुछ फोन आ रहे हैं, मैं उनको उनकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा, वो इनके ही चमचे हैं, मुझे पता है, आम पब्लिक ऐसा नहीं करती, अच्छे लोग हैं, उन्हीं से उम्मीद है, इनके चमचों से या इनसे उम्मीद नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हैं। सो प्लीज़ थैंक यू, इस चीज़ को समझें और कुछ भी गलत ना सोचें, सब ऐसे नहीं होते, है ना, ठीक है। बहुत लोगों जिनको चैनल चलाने, वो तो अपनी पत्नियों को आगे करके चला रहे हैं यार, हम भी पगड़ी बांध के वो चीज़ कर सकते थे, नहीं, बात सच की करेंगे, पगड़ी उसी दिन बांधेंगे जिस दिन लगेगा कि हम उस काबिल हो गए। थैंक यू।